प्रयोग करके सरकारें गिरा रही है भाजपा। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। जी हां, बात कर रहे हैं हम आप सभी से राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बारे में और साथ ही आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पहले तो राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी की करारी हार पर खुद को जिम्मेदार मानने वाले राहुल गांधी ने एक तरफ जहां कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया है तो वहीं इसके बाद अब आक्रामक रवैया राहुल गांधी ने अपना लिया है। राहुल गांधी के हाल ही में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जिन पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही राहुल गांधी के ये स्टेटमेंट्स हैं जो हम आपको अभी रूबरू कराने वाले हैं। इन स्टेटमेंट्स में आप देखेंगे कि किस तरीके से साफ तौर पर राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई वो ऐसे ही आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। खैर, क्या है पूरी खबर और क्या कुछ स्टेटमेंट्स राहुल गांधी द्वारा दिए गए हैं और साथ ही साथ अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भी राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर काफी ज्यादा ही विचार विमर्श कर रहे हैं। यूं तो अध्यक्ष पद छोड़ने को लेकर जब राहुल गांधी का ऐलान हुआ था तो कहा गया था कि तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं राहुल गांधी को मना लेंगे कि वो अध्यक्ष पद ना छोड़े, लेकिन फाइनली राहुल गांधी को मना लिया गया के अध्यक्ष पद वो ना छोड़े। मान भी गए थे राहुल गांधी, लेकिन फिर सडनली एकदम से खबर आ गई कि भाई राहुल गांधी जो कि मान गए थे कि नया अध्यक्ष नहीं चुनने तक वो अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फाइनली राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया और अब वरिष्ठ नेताओं की बात उन्होंने धरी की धरी रह गई जो कि बात कही गई थी। अब क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस में इन दिनों और राहुल गांधी के क्या कुछ नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अपने इस्तीफे के बाद, राहुल गांधी ने क्या बड़ा फैसला लिया है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए रूबरू कराते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि भाजपा सरकारें गिराने के लिए धन बल और डराने धमकाने का सहारा लेती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि भगवा पार्टी कर्नाटक में भी यही पैतरा अपना रही है। और तो और बता दें आप सभी को कि कर्नाटक में 13 महीने पुरानी कांग्रेस JDS की गठबंधन सरकार से दो निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है, साथ ही कांग्रेस के 13 समेत कुल 16 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इतना ही नहीं, बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा जहां भी सरकार गिरा सकती है वहां बल, धन या डर का इस्तेमाल करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले आपने गोवा में पूर्वोत्तर में देखा और अब वो यही कर्नाटक में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके काम करने का ही तरीका है। उनके पास पैसा है, ताकत है और वो इसका इस्तेमाल करते हैं, यही सच्चाई है। राहुल ने ये भी कहा है कि कांग्रेस सच्चाई के लिए लड़ रही है क्योंकि सच्चाई ही कांग्रेस को मजबूत बनाती है। राहुल मानहानि के एक मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत के समक्ष पेश हुए थे। मानहानि का ये मामला अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक की तरफ से दायर किया गया था जिसमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह एक निदेशक हैं। इतना ही नहीं, गांधी ने खुद को निर्दोष बताया और उन्हें जमानत मिल गई। बता दें हम सभी को कि राहुल गांधी ने देश के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दबाने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ना जारी रखूंगा। ये लड़ाई संविधान देश के भविष्य के लिए है, भ्रष्टाचार अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, ये जारी रहेगी। इतना ही नहीं, आप सभी को ये भी बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को राहुल गांधी ने जब से इस्तीफा दिया है तब से पार्टी में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होने वाला है। तो भाई कांग्रेस का नया अध्यक्ष अगले हफ्ते मिल सकता है, इस तरह की जहां खबर आई है। तो वहीं इसी बीच साफ साफ ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी कह चुके हैं कि भाई वो छोड़ेंगे नहीं, जो भी ऐसी परेशानियां आ रही हैं उन पर हल निकालने में डटे रहेंगे, डरने वाले नहीं हैं, लड़ना जारी रखेंगे, ये साफ बात कह दी है राहुल गांधी ने। तो भाई इस्तीफे के बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला अपना सुना दिया है और भाजपा सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए उन्होंने बता दिया है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है, लड़ते रहेंगे और छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं।